हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आदिश और आप सभी का इस ब्लॉग पे स्वागत है। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आया है। द रीज़न इज़ कि मैं बेंगलोर में था अभी तक। वहां पर हम लोग को बुला लिया था लीव के बाद में, तो एक महीना में काम करके आया हूं, पर वहां पर ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि वहां पर जो शिफ्ट का टाइमिंग था वो बहुत ज़्यादा अलग था और वहाँ पर टाइम भी नहीं मिला मतलब ब्लॉग बनाने के लिए। और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम आ गया था इस मंथ, मॉड्यूल एग्ज़ाम्स। जो भी एविएशन में स्टूडेंट्स है या जो भी लोग हैं उन्होंने मॉड्यूल एग्ज़ाम दिया होगा। तो आई होप आप लोगों का सभी का मॉड्यूल अच्छा गया हो। और रिजल्ट का तो अभी वेट कर रहे हैं, पर पता नहीं अभी ब्लॉग आ जाए तो रिज़ल्ट भी आ जाएगा या नहीं, वो मुझे नहीं पता है। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला है इस चैनल पर। 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अभी। अब 1K सब्सक्राइबर जल्दी से करना है। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर्स बस हो जाएंगे, मतलब हो जाने चाहिए। अब मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं बाहर। अभी अभी भैया ने एक कार खरीदी है तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं मौनखेड़ा, जो कि एक जैन तीर्थ है वहाँ पर। तो ब्लॉग पर बने रहें। उसके बाद में हम लोग मांडव भी जाएंगे। मांडव मालवा में है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं या अगर स्टेट में, आसपास के स्टेट में रहते हैं और मांडव आए हैं तो आप लोगों को पता होगा, पर अगर नहीं पता है तो मैं इस ब्लॉग पर नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। आज तो हम लोग क्योंकि मौनखेड़ा जा रहे हैं और नेक्स्ट डे मांडव जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि भैया का कार आया हुआ है तो उसको दर्शन करवाने और हम लोग को भी दर्शन करने हैं, तो हम लोग वहाँ जाएंगे मौनखेड़ा। तो हम लोग अभी यहाँ से घर से थोड़ा सा दूर जाएंगे, वहाँ से भैया हम लोग को पिक करेंगे। उनके बच्चे भी है और भाभी भी है, तो उन सब के साथ हम लोग जा रहे हैं। और हमारे साथ है नमन, जो कि मेरे पहले ब्लॉग में भी था। तो अगर आप लोगों ने वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, पहले के बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये हमारी तैयारी हो गई है। ये छोटू जी आए हैं, ये दिल्ली का ले आए ये दुबई जा रहे हैं, उस हिसाब से आए तैयारी करके तो अभी हम लोग का डिसाइड ये हुआ है कि अभी बाइक से जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बारिश आ रही है एक दो दिन से। तो अभी हम लोग जाएंगे बस से, जहाँ से हम लोग को पिक करेंगे भैया। तो चलते हैं बस से। ये आ गई बस, इसमें ही जाना है हमको। देखो कितना हेवी कड़ा है ये, देखिए। क्या बल्ले वाले निकले चलिए। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं भैया का, जैसे ही आएंगे हम लोग कार में बैठ के निकलेंगे मौनखेड़ा की तरफ। अभी ये फोटो तो डाली है ना अपन ने, इंस्टा खोल देना सीधे। इंस्टा खोल दे, ब्राइटनेस बढ़ा जरा। ये देखो लाइक करता पकड़ा गया ये देखिए, अभी इंस्टा पे हम लोग ने ट्रैवल करते वक्त फ़ोटो डाली है। तो अगर किसने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो करें। यूज़र नेम है आदिश 1111, 4 बार 1 दिलवाले नमन जी का खोल के बता दो, दिलवाले 28। रूफटॉप लगा है स्पेशल छोटू जी के लिए, बाहर निकल के नाचते। तो अभी हम लोग आ गए हैं अमी चरा। पहले मौनखेड़ा के पहले एक जैन तीर्थ आता है अमी चरा, वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं दर्शन हो सकते हैं या नहीं। दर्शन तो हो जाएंगे, पर अंदर कैमरा ले जाना अलाउड है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी मैं दर्शन करवा दूँगा। यहाँ कौन से भगवान है करूँ वो देखते हैं, अंदर जाके पता चलेगा हमको भी। पार्श्वनाथ भगवान है यहाँ पर, जो भी जैन लोग हैं वो जानते होंगे। तो अंदर देखते हैं। तो
गाइस हम लोग आए हुए हैं अभी अमी जरा, जो कि जैन लोगों का बहुत ही बड़ा तीर्थ है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसी मानता है कि इस प्रतिमा की आंखों में से केसरिया पानी झरता है अमृत जैसा, इसीलिए इस प्रतिमा का नाम इस मंदिर का नाम है अमी जरा। और नाभी पर जो है इस मूर्ति के तीन लाइन है जो कि बहुत रेयर होता है, तो आप देखिए और दर्शन कीजिए। वैसे अभी हम लोग आ गए हैं भोपा और अमी जरा से निकल गए थे, पर अब रात हो गई है तो आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं अच्छे से, पर ये मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, दर्शन करने आप लोग आ सकते हैं। उसके पास में मैं जाऊंगा, वहाँ पर लिखा हुआ है आई लव भोपा और वो भी आप लोग को बताऊँगा। तो अभी हम लोग यहाँ के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये अगर दिन में आते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता, पर ठीक है अभी तो हमको मेन तो भगवान के दर्शन करना है। रात में कैमरा क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, पर बहुत ही बड़ा मंदिर है जैसा कि आप लोगों को अंदर से बताया। ये देखिए आई लव भोपावर। मंदिर कहाँ गया वो यार? अच्छा शायद कैमरा अलाउड नहीं है यार। Hey guys, तो मोहन खेड़ा में अच्छे से दर्शन हो गए और यहाँ पर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग ने कैमरा का यूज नहीं किया। पर यहाँ पर जो भक्ति थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, फिर भक्ति करके यहाँ पर बोली बोली भी बहुत ज़्यादा लगी, अच्छे से हुआ सब काम, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। और उसके बाद हम लोग ने चाय पी ली और अब हम लोग जा रहे हैं धार, जहाँ से हम लोग कल निकलेंगे मांडव। तो कल के जो ब्लॉग में, जो कल का ब्लॉग रहेगा उस पर भी आप बने रहें, वो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। तो चलिए ये ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मंदिर के दर्शन छोटू जी बोल रहे थे, वो मैंने बीच में डाल दिया था, तो आप लोगों ने आई होप कर ही लिया होगा। पर यहाँ के जो भगवान है, कौन सा दिगंबर मंदिर मांडा वाला धार वाला, अभी एक मंदिर और बचा है, अगर हुआ तो उसके भी दर्शन करवा देंगे आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गोवा की ओर और देखते हैं ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मांडव के दर्शन करवा देंगे। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।